नमस्कार, जस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, एमपी की सीरीज़ चल रही है जस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल पे, और एमपी के ही एक अश्व पालक के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। उनसे जानते हैं उनका परिचय और इस लोकेशन के बारे में, बताएं सर थोड़ा सा प्लीज़। सभी व्यूअर्स को, डस्ट फ्रेगनेंस के सभी व्यूअर्स को राम राम। और भैया आपका भी वेलकम है। जी आप हमारे एमपी में आए हैं, एमपी के घोड़े दिखाए, इसके लिए आपका बहुत तहे दिल से आभारी हूँ मैं। जी मेरा नाम कुलदीप सिंह पटेल है भैया, और मैं इंदौर एमपी से हूँ। अपने फार्म का नाम दरिया स्टेट फार्म है। जी जी भैया। ओके, तो दरिया स्टेट फार्म एमपी में कहाँ पे लोकेटेड है थोड़ा बताएं। अपना इंदौर से है, यहाँ एयरपोर्ट से करीबन 12 किलोमीटर। ओके, एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर जी लगभग। जी ओके ओके ओके, और क्या ये लोकेशन बोले अपने बोलते हैं गांव का इसको, नाम है बड़ी कलमेर। बड़ी कलमेर। जी ओके, तो कितने समय से आप, या ये कहें कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, या आपने स्पेशली शौक पीढ़ी दर को, पीढ़ी चल रहा है। अच्छा पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, हाँ आपके जी, दादाजी को शौक था। दादाजी को शौक था, दादाजी के पिताजी को भी शौक था, मतलब अपने को भी नहीं पता है कब से चल रहा, पूछते नहीं शौक है। अच्छा, पुराने आपके आपके वीडियोस में आपने बताया थे कि हाँ हमारे बताया पास था कौन मैंने कौन पहले भी से आपके चैनल पे। कौन कौन से घोड़े आपके पास रहे, और किस तरह से दादाजी को शौक था, उसके बाद पिताजी को आपके शौक था, एक जी घोड़ा आपके यहाँ पे था उसके बारे में दादाजी ने भी बताया था आपके आपको फादर साहब इंटरव्यू बताते में। हैं कि हाँ वो काफ़ी वो नहीं जाना चाहता था यहाँ से, और हाँ फिर हाँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और अब आफ्टर लॉन्ग टाइम आपके पास कुछ कोल्ड्स भी बीच में आए थे, और आपने लास्ट वीडियो में काफ़ी पेन आपका उसमें था कि मेरे पास, मैं कोल्ड रखना चाहता हूँ, मैं स्टेलिन रखना चाहता हूँ, बट मेरे यहाँ पे वो टिक मतलब जी नहीं पा रहे थे आपके यहाँ हाँ ज़्यादा भैया, खाना। दो तीन अपने एक्सपायर हो गए थे बच्चे, अच्छे पेडिग्री के थे, तीन ख़त्म हो गए थे बच्चे। फिर अभी एक लाए थे बच्चा, वो पुष्कर में भी आपने किया था उसको जी, शूट, वही बच्चा अभी अपने पास तैयार हो रहा है। तो अब इस बच्चे के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ये बच्चा कितने नंबर, कौन से नंबर का मेल आपके पास आया है, यानी कि कितने मेल इससे पहले, आप पर्सनली आपकी बात कर रहा हूँ मैं, जैसे दादाजी ये और, फोर्थ नंबर वाला है अपना। अच्छा तो जैसे बाकी तीन थे आपके पास, और इसमें क्या डिफरेंस रहा, मतलब एज वाइज, या कितने उम्र का आप इसको लेके आए थे। ये अपन ने खरीदा था 14 महीने का। ओके, 14 महीने का खरीदा था, जी और पहले जो बच्चे लाए थे वो छोटे वो लाए तो थे, छोटे लाए थे अपन, तीन तीन, दो दो, तीन तीन, 3.5 महीने के। और वो जो तीन बच्चे थे वो कहाँ से आपने लिए, और ये बच्चा आपने कहाँ से लिया। एक बच्चा तो राजस्थान में से लिया था, ठीक है, और दो बनासकांठा से लाए थे। तो राजस्थान टू एमपी और गुजरात टू एमपी, जी ये उनका सफ़र रहा, और जी इसका सफ़र एमपी टू एमपी। एमपी टू एमपी, दस हाँ, से 12-15 किलोमीटर का सफर है इसका। तो कहीं ना कहीं इसको इसको कनेक्ट करते हैं अपन इस बात को, तो हो सकता है कि एरिया वाइज भी वरी करता है। आप कोई बच्चा अगर आप सेम प्लेस पे या सेम एरिया में रखते हो तो उसको ज़्यादा एनवायरनमेंट से नहीं फाइट करनी पड़ती, लड़ना नहीं ऐसा पड़ता रहता है तो है भैया, देखो ना, क्योंकि एडल्ट होने के बाद में जो आपकी इम्यून सिस्टम्स, और जैसे जैसे इंसान में होता है, एडल्ट होने के बाद आप कहीं भी जाओगे तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब बच्चों को एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है। सो हाँ कहीं ना इस कहीं घोड़े में भी ऐसा मान सकते हैं अपन। आपने कहा कि सेम एरिया से जो बच्चे आपने या जो घोड़े आपने लिए उनमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहे वो आपके यहाँ पे। या तो मैंने मेरे भी खरीदी तो अपने एरिया की जो ली, उसमें अपने को सक्सेस मिला प्लस प्रॉफिट मिला, और अब बाहर से जो परचेस करके लाया उसमें उतना वो रहा नहीं जो अपन को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। सो तो ना कंसिडर, सक्सेस मिली ना प्रॉफिट मिला, तो फिर आपने डिसाइड कर लिया तो अब आप अपने एरिया से लेना जो लेना है बस आगे एमपी के से। बाहर नहीं जाना है। दिखाने सब जगह जाएंगे लेकिन एमपी के बाहर से खरीदेंगे नहीं अब। और वो तो चलो फिर लग भी रहता है। हाँ, वो अनजन पानी वाली बात है कि आपके यहाँ पे जिसका आना होगा वो आएगा ही आएगा यहाँ जी पे, जी बट भैया चाहे किसी भी एरिया से आए। सो अब बात करते हैं, हम सीधा आते हैं इस बच्चे की पैडिग्री पे। तो थोड़ा सा मैं उस पैडिग्री से पहले उसमें आप थोड़ा सा ऐड कर देना कि आपने ये बच्चा कितने महीने का लिया, और ये बच्चा कहाँ पे ब्रीड हुआ और किसके यहाँ पे ब्रीड हुआ, थोड़ा सा बताएं। अपने यहाँ से 15 किलोमीटर एक दूर एक गांव है अटाउदा करके, वहाँ से ये परचेस किया था अपन ने 14 मंथ का। इसने 12-13 मंथ तक तो इसकी मदर का दूध पिया है, 12-13 महीना। ओके। हाँ बच्चे ने, और ना उन्होंने घोड़ी कवर करवाई थी।
और इस बच्चे को अपन कम से कम जब से जन्मा था तब से 15-16 बार तो देख के आए थे, जब तक बड़ा हुआ हो 14 महीने का हुआ तब तक। तो देखने का कारण इसको लेके आना था या अच्छा दिखता था इसलिए लेके आया, या उसमें शुरू से थोड़ा मन लगा हुआ, लगाव था उससे? ऐसा तो नहीं था कि अपने को लेना ही है पर्सनली, पर फिर वो अपने किस्मत में भी था तो अपने घर आया, अपने घर आ गया। ठीक है, तो अब आप अपन बात करते हैं इसके एज की, और अभी कितनी एज है इसकी लगभग? अभी ये हुआ है भैया 23वां मंथ रनिंग में चल रहा है इसको। तो अभी जैसा भी है ये स्थिति में जो है ये अभी, और लोग देख भी रहे हैं विजुअल्स में इस बच्चे की स्थिति, और पुष्कर में भी ये बच्चा आया था, तो जब आपने बच्चा लिया तब आपको लगता था कि ये इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये इतना ग्रोथ या इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी अपने इसके को तो लग रहा था, तभी अपन ने एक हिसाब से परचेस किया। ओके, ठीक है। तो ये आपकी या आपका चॉइस था कि आपके फादर का या कि आपके दादाजी का? चॉइस तो अपना ही था ये। ओके, फिर फादर को दिखा, फादर साहब को दिखा के लाया मैं, तो उनको भी पसंद आया, फिर परचेस कर लिया। ओके ओके ओके। सो अब इसकी एज कितनी है लगभग? अभी 23 मंथ रनिंग चल रहा है इसका। 23 मंथ चल रहा है इसका। और इसकी हाइट लगभग कितनी होगी? होगी 23 महीने में। ये 62 प्लस में। इसके मार्किंग के बारे में थोड़ा सा आप बताएं प्लीज। इसके 3 पैर वाइट है और माथे पे ब्लेज है। ओके, तो अब इसके पेडिग्री के बारे में थोड़ा सा बताएं। इसका सायर तो था अपने यहाँ पे चावड़ा स्टड फार्म पे था, बादल करके। चावड़ा स्टड फार्म में बादल करके? हाँ, अपने इंदौर में ही चावड़ा स्टड फार्म, जो आपने वीडियो बनाई है। जी जी जी। उनके पास में था बादल, और इसकी मदर है पंचकल्याण, 59 के समथिंग है उसकी हाइट, तो पंचकल्याण में है इसकी। पंचकल्याण है जी। और इसका ग्रैंड सायर हो गया राजतिलक, सॉरी राजहंस, और उसका फादर था राजतिलक। मतलब उदयपुर पैलेस लाइन से है ये। पैलेस लाइन से बिलोंग करता है, तो वो राजहंस और राजतिलक वाली पेडिग्री। फिर उसके बाद इसमें काफी मतलब लाइन है, तो काफी है इसमें इसकी जो ग्रैंड मदर। फादर साइड की आप इसकी थोड़ी सी पेडिग्री, जैसे राजहंस इसका डायरेक्ट ग्रैंड साइड हो, ग्रैंड सायर हो गया राजहंस, जो भी बादल स्टेट फार्म में है जी। और उसका जो बच्चा था वो आपके एमपी में ही था? हाँ, अपने एमपी में, वहीं पे ब्रीड हुआ था वो। ओके, सो अपने बादल स्टेट फार्म के पास में कोई गांव है, वहाँ पे एक फौजी, जो ऑस्ट्रेलियन फौजी था मज्जू के ब्लड लाइन का, उसकी घोड़ी से जन्मा था ये, फौजी की बच्ची का बच्चा था बादल। ओके, तो आपके बच्चे की दादी जो है, जो दादी थी, वो मज्जू के लाइन से, मज्जू के लाइन से ग्रे घोड़ी थी, ग्रे थी। ओके, और ये पैलेस लाइन से? ये पैलेस लाइन से हुआ। ओके, और अब इसकी जो मदर है वो तो उसका तो अपने को कुछ पता नहीं चला है। अच्छा, अननोन ही बोल सकते हैं उसको तो। ओके ओके ओके। बाकी उसकी अगर इंडिविजुअल बात करें हम, तो कैसी घोड़ी है वो, कैसे कलर की घोड़ी है? घोड़ी है काली पंचकल्याण है वो। ओके, काली पंचकल्याण घोड़ी। लगभग हाइट कितनी होगी उसकी? 59 के समथिंग है। ओके, और उसका उसका जो पेट है उसकी कोठी बहुत बड़ी है। ओके, एक बार उसने दो बच्चियां भी दी थी एक साथ में। ओके, एक साथ दो बच्चियां देती, और फिर बच्चियां सरवाइव करके कर गई थी या नहीं, छूट गई थी? एक बच्ची तो रुकी और एक खत्म हो गई। अच्छा, एक छूट गई। वेरी नाइस। तो फिर भी जो बच्चा उसने इससे दिया, बादल से दिया है, वो काफ़ी कमाल की बात कह सकते हैं इसको, कि 59 की घोड़ी से अगर इस तरह के बच्चे, जो अदंत में ही 62 के लगभग आई थिंक हो गया होगा ये बच्चा। हाँ, और आशा करते हैं कि काफी अच्छा हाइट और पर्सनालिटी लेने वाला। हाँ, ले रहा है ये तो, वैसे अभी तो अच्छा बन रहा है। बस ब्लड में से होता है भैया, वो तो देखो ब्लड है तो ब्लड काम करेगा ब्लड में। तो आई थिंक इसके अंदर फिर देखा जाए तो काफी ब्लड का कॉम्बिनेशन, सुल्तान और ये भी आ गए पीछे से, जैसे राजहंस की मदर वो ले ली है, पोसाना में ब्रीड हुआ था राजहंस। हाँ, राजहंस पोसाना में तो ले ली थी वो अपने अली बाबा और अलबेली की। अच्छा, ले ली अली बाबा और अलबेली, तो वो अली बाबा ब्लड भी आ गया उसमें, सुल्तान ब्लड भी है उसमें, दो तीन ब्लड आ गए, सो काफी स्ट्रांग ब्लड लाइन से। के पास ये बच्चा लगभग 8-9 महीने से? 8-9 महीने हुए इसको। अब 8-9 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इसके जो जब आप लाए और अब जो स्थिति में है, उसमें बदलाव आप, मैं विजुअल्स में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस तरह का बदलाव यहाँ पे आया है। काफ़ी मेहनत से और काफ़ी अच्छी लाड प्यार से बच्चे को तैयार किया जा रहा है। सो आगे का क्या फ्यूचर, मतलब इसका इन प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है इस बच्चे को लेके आपकी? बस ऑस्ट्रेलिया नहीं बनाना है। आप इसको सेल करने के लिए तैयार कर रहे हैं कि आप इसको रखने के लिए तैयार कर रहे हैं कि क्या प्लानिंग्स है? देखो, ऐसा है कि सेल भी करना ज़रूरी रहता है हर चीज़, पर उस चीज़ के उतने पैसे भी मिलने चाहिए। हाँ, मतलब
इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हर चीज के दाम है, बट अगर उसके अकॉर्डिंग मिले तो ज्यादा अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग मिले तो ज्यादा अच्छा है। या तो बच्चे को भी देख लो, ब्लड भी देख लो, फिर वो हर चीज आजकल मार्केट में कहाँ है, सब अंदर के अंदर चल रहे हैं, जो फेमस घोड़े हैं उनके ही बच्चे बस लोग ब्रीड करवा रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। और मैंने मैंने आपसे ही सुना है कि पुष्कर में भी काफी अच्छी इसकी प्राइस लगी थी, अच्छे पैसे लगे थे पुष्कर में, पर दिया नहीं था अपना, मूड भी नहीं था, अभी भी कोई ऐसा खास मूड नहीं है। हाँ तो मतलब अच्छे लगे थे बट वो आप आपके हिसाब से अच्छे नहीं थे, मतलब बस बस वही था, बच्चे के हिसाब से अच्छा नहीं था ना। तो वेरी नाइस। तो इसको अभी स्टड सर्विस की बात करें तो चालू आप कर दिया आपने कि अभी नहीं है? अभी तो नहीं किया चालू, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कम उम्र में चालू कर देते हैं बच्चों को, उस हिसाब से आपने आपके प्लानिंग में है कि नहीं? अभी तो नहीं है, देखो दो दांत करेगा तभी करेंगे स्टार्ट इसको कवरिंग में, दो दांत तक स्टार्ट करने वाले दो बच्चों का करने के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा अपन भी डीएनए वगैरह करवाएंगे इसका, उसके बाद ही लोगों को भी फायदा मिलना चाहिए, और आजकल डीएनए की भी डिमांड ज्यादा है उस हिसाब से। तो बच्चे में जो ये इतना जो करंट है वो मतलब इतना जो पावर है इसमें, कि आपके कुछ खान पान की वजह से है कि ब्लड की वजह से? ब्लड भी है और फिर खान पान तो क्या, जो नॉर्मल देसी डाइट देते हैं अपन, तो अच्छा। बाहर का तो कुछ भी नहीं दिया अभी तक अपन ने। आप नहीं करते वो इंजेक्शन वगैरह इसको एनर्जी में लाने के लिए? कुछ नहीं, नहीं कुछ भी नहीं दिया अभी तक तो। देने का प्लानिंग है आगे कुछ? कुछ भी नहीं देना अपने को तो, ये इतने पे ही नहीं संभल रहा है देसी डाइट में, तो आगे क्या देंगे। अच्छा अच्छा, दूध भी पिला रहे उसको? हाँ दूध तो रेगुलर में चालू, इसको जब से मतलब इसके किस्मत में लिखा था शायद दूध, तो जब से वहाँ पे भैया ने भी जिनके यहाँ पे था उन्होंने भी दूध अच्छा पिलाया था इसको मदर, और फिर गायों का चालू कर दिया था, अपन भी गाय का दूध दे रहे हैं। स्टार्टिंग अगर मैं बात करूं ओपन जब करेंगे इसको स्टार्ट सर्विस के लिए, आप तो क्या फीस एक्सपेक्टेड है, क्या रखेंगे इसके? देखो अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं बनाया है। हाँ पर वो तो क्या जैसे एरिया वाइज देख लेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ उस हिसाब से ही रखेंगे। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि घर की घोड़ियों को पहले यूज करते हैं, घर की घोड़ियों पर नहीं, पहले अपन भी वही करेंगे, पहले घर की घोड़ी पे रिजल्ट लेंगे उसके बाद ही बाहर दिखाएंगे, जैसे दो चार फ्रेंड की घोड़ियों पे देख लेंगे उसके बाद ही बाहर ओपन सर्विस करेंगे। ओके So, अभी जैसे आपके शायद घर वाले अगेंस्ट थे इस चीज के कि बच्चा नहीं लाएंगे कोई भी अब, और आपने जिद करके ये लिया, तो अब क्या उनके व्यूज हैं इसको देख के? घोड़ा तो अब उनका ये प्लान है कि अपन को सेल इतनी जल्दी तो नहीं करना है, घर पे ही रखना है, मतलब सेल का तो कोई प्लान नहीं है वैसे। प्लान में ही नहीं है सेल था ना, ये नर काफी समय से नहीं था और अब है, तो चलो चलने दो। इसकी एक बात और बताता हूँ मैं, जैसे कि इसको अपन परचेस करने गए थे, देखने जाते थे, तब ये बस अपने लिए ही उसको पांव हिलाना, मुंह से आवाजें निकालना, अपन जाते थे देखने, तो बस उसी कारण से अपन ने इसको परचेस किया है। ओके, मतलब कहीं ना कहीं दिल में वो दोनों का कम अटैचमेंट, घोड़े को भी अटैचमेंट थी, अटैचमेंट हो गया था ना। और इसके वहाँ पे कस्टमर भी काफी आए, पर वो योग सहयोग नहीं मिला उनका, अपने से योग सहयोग मिला उसका। जिस जानवर का जिस घर में आना है वो तो तय है फिर उसके आना ही आना। डेफिनेटली। तो अभी हम बात करते हैं आपके यहाँ पे दूसरी और भी आपके पास शायद मेयर्स हैं। हाँ जी। क्या क्या उनकी वो है? अपने पास एक रणशेर की है डायरेक्ट घोड़ी, रणशेर वो अलीशान का ब्रदर है मदर साइड से। रणशेर कोड़ी वाला? कोड़ी वाला। ओके। अभी वहाँ पे अहमदाबाद में वन सिस्टेड फार्म पे। ओके। रणशेर कोड़ी वाले का सायर कौन हो गया? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर का सायर कौन हो गया? अलेक्जेंडर का तो भूतनाथ था सायर। ओके। अलेक्जेंडर वाज फ्रॉम भूतनाथ। ओके। अच्छा था, अलेक्जेंडर पच कल्याण घोड़ा था। ओके। और अब ये कितनी उम्र की हो गई ये मेयर जो आपके पास है? ये करीबन है 6 साल के समथिंग। 6 साल के समथिंग। तो इससे कोई बच्चा बच्चा लिया आपने? अभी तक तो नहीं लिया बच्चा अपने। अच्छा, अभी तक नहीं लिया। सो आगे कुछ प्लान है, यानी कि आपके घोड़े से आपके अपने घोड़े से ही कवर करने का है विचार मेरा तो। घर का रिजल्ट लेने का मूड है, दो अलीशान वो अपना एक रणशेर प्लस दो ब्लड के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे अपने यहाँ पे। अगर अपन ये इधर से उदयपुर पैलेस का ब्लड हो जाएगा। काफी अच्छा है। अच्छा, अच्छा। हाइट के मामले में अगर बात करें इसके तो क्या है हाइट? ये 61 प्लस है मेरा। 61 प्लस है। और मार्किंग? मार्किंग इसके दोनों साइड के पैर वाइट है और माथे पे फूल है। Okay. स्टार है। और राइडेबल भी है? राइडिंग में तो खूब चलने वाली है। अच्छा, राइडिंग में खूब राइडिंग। आप खुद, आपको खुद को भी राइडिंग का शौक है? हाँ खूब राइडिंग, बहुत फास्ट राइडिंग करते हैं इस पे आप। बहुत सारे वीडियोस आपके चैनल पे भी हैं। हाँ जी। किस नाम से आपका चैनल? अपनी तो आईडी है इंस्टाग्राम पे कुलदीप सिंह पटेल करके। कुलदीप सिंह पटेल करके जी। तो अब बात करते हैं हम आपके पास जो दूसरी घोड़ी है उसके बारे में। वो घोड़ी है डायरेक्ट नवरत्न भंवर थला वाले की।
नवरत्न भंवरथला में घोड़ा था, जो भंवरथला में जो काला घोड़ा था। हाँ, ओके, फिर बाद लास्ट में वो राम सिंह जी के पास आ गया। हाँ जी, वही घोड़ा, वही घोड़ा। ओके, उसकी ये घोड़ी उसकी डायरेक्ट है ये। ओके, कंफर्म मतलब है ये? हाँ, बताई या बताई गई है? कंफर्म करके ही ली थी। ओके, वो बता भी रहे थे डीएनए भी है शायद उसका। हाँ, राजस्थान से ली थी? हाँ, राजस्थान से ली। ओके ओके ओके, सो अभी इसकी एज कितनी हो गई है? ये करीबन हो गई है 6 से प्लस में। ये 6 से प्लस। हाँ, आपने बच्चे लिए इससे? हाँ, बच्चा लिया अपन ने। अच्छा, आपने एक लिया था? एक बच्चा, पहले बच्चा देके आई थी दिलशान से। अच्छा, पहले दिलशान से? दिलशान से दिया था पच कल्याण, फिर अपना भगत है जो उससे दिया था इसने, दो पैर पीछे के वाइट और ब्लेज वाला बच्चा। कितना एज का हो गया वो बच्चा अभी? बच्चा करीबन हुआ है 6-1 महीने का भी। अच्छा अच्छा, फिर दो मेल आप प्रैक्टिस करते इसलिए सेल शायद कर दिया। हाँ, सेल कर दिया, कोई अच्छा पालने वाला मिल गया था अपना। हुँ। तो उसको दे दिया, वो भी अच्छा शौक से कर रहा है तैयार। ओके ओके, लोकल में ही दिया अपन ने भी। तो भगत और इस फूलमाल, ये अपने नवरत्न की जो बच्ची आके भंवरथला वाली घोड़ी है उसका बच्चा था वो। हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन था। विजुअल्स में हम दिखा रहे हैं बच्चा काफी एनर्जेटिक और काफी कमाल का बच्चा इस घोड़ी ने दिया है। सो क्या प्लानिंग है आपके आगे जाके? घोड़ियों में से कोई अगर कोई चाहे कि हमें ये घोड़ी दे दो तो क्या दे देंगे आप? वही बात आ जाती है वापस। हाँ, कि पैसे अकॉर्डिंग मिलेंगे। हाँ, तो बिल्कुल दे देंगे। दिल में जितना जो चीज़ है अगर वो फुलफिल हो जाएगी तो दे देंगे। हाँ, वही है। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। सो अभी ये दोनों घोड़ियाँ ही खाली है? हाँ। नहीं, एक प्रेगनेंट है अपनी। एक जो भंवरथला वाली है वो प्रेगनेंट है। वो किससे प्रेगनेंट है? वो भगत का बेटा है देवराज। ओके, भगत उससे प्रेग्नेंट है। आपके एमपी में जो भगत हाँ। है उसका बच्चा देवराज जी, जी। ओके, कुमेद कलर का जो बच्चा कुमेद पच कल्याण है। ठीक है जी। तो अभी कुछ खास बात जो इस बच्चे के लिए आप या अश्व जगत के लिए कुछ आप बात बोलना चाहें या कुछ भी, कोई भी एक पॉइंट आपका? बातें तो क्या आप बताएं, जैसे कि बस अच्छा अपना कर रहे हैं तैयार बच्चे को एमपी के लिए। हाँ, एमपी में मारवाड़ी का थोड़ा क्रेज कम है। तो अभी तो लेकिन काफी बढ़ गया है पहले से। हाँ, काफी पहले से तो काफी बढ़ा है। हाँ, पर उसमें भी लोग जैसे जो मारवाड़ी घोड़ियां रख रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि अपने एमपी में घोड़े ही नहीं है। अच्छा। हाँ, और जो बाहर के लोग हैं उनको जैसे अपना बच्चा डिफरेंट ब्लड लाइन का हो गया तो उनको लगता है कि बच्चा काफी अच्छा है और आने वाले दिनों में अच्छा बनेगा ऐसा। मतलब बहुत सारे कॉल आते हैं मेरे पास। डॉक्टर्स की क्या व्यवस्था है आपके एमपी में? डॉक्टर साहब तो ये है कि डॉक्टर की पहले तो कुछ भी व्यवस्था नहीं थी और अब जाके हमको एक डॉक्टर साहब मिले, हमारे फ्रेंड है। सो धन्यवाद अगेन। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर आप बताना चाहें तो प्लीज बता दीजिए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9669770523 जी। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। थैंक यू सर।